ग्वालियर में भैंस चोरों के आतंक से क्षेत्रीय लोगों में दहशत का माहौल है। नकाबपोश चोरों ने देर रात भैंसों की चोरी कर ली। भैंस के मालिक ने जब उसका पीछा किया तो चोरों ने गोलियां चला दी। भैंस मालिक की जान तो बच गई, लेकिन चोर उसकी एक भैंस ले जाने में सफल हो गए। वहीं उसके पड़ोसी की दो भैंस भी चोरी कर चोर फरार हो गए। चोरों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं भैंस मालिक ने जब इसकी शिकायत थाने में की तो पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के नारायण विहार कॉलोनी में रहने वाले रमेश मांझी अपने घर के भीतर सो रहे थे, तभी नकाबपोश चार बदमाश उनके घर पहुंचे। बदमाशों ने एक दीवार की धीरे धीरे कर ईंट हटाते हुए उनके घर के अंदर बने बाड़े से तीन भैंसों को बाहर निकाल लिया। जब भैंस मालिक रमेश को इसका एहसास हुआ तो उन्होंने चिल्लाते हुए चोरों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन चोरों ने उन पर लाठी डंडे से हमला कर फायर भी ठोक दिए। चार बार फायर करने के बाद रमेश ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन चोर उसकी एक भैंस ले जाने में सफल हो गए। वहीं पड़ोस में रहने वाले महावीर सिंह तोमर की 3 लाख कीमत की दो भैंसें चोर लेकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस का बहुत ज्यादा सहयोग देखने को नहीं मिला। अधिकारियों से जब बात की गई तो उन्होंने मामला संज्ञान में होने की बात कहते हुए जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ऐसा हुआ साहब, मैं रात को सो गया था, तबीयत खराब थी, तो मेरा गेट खोला है इनने 1:30 बजे और 2 बजे मेरे अंदर प्रवेश हुए हैं साहब। कितने लोग थे, कौन थे? 3 लोग अंदर प्रवेश हुए। अच्छा, बदमाश थे। हाँ, और मैंने उनको आवाज लगाई तो उन्होंने मेरे पर लाठी का वार किया, तो एक तो मैंने बचाई, एक मेरे पैर में जी लगी हुई है जांग में। फिर मैं बच्चों को चिल्लाने गया तो वो बाहर आ गया मेरे पास खटिए के पास लाठी लेके, तो लट्टू जल गया। उसमें मैंने मायाराम को पहचाना, वो फिर जब सोनू ने आवाज लगाई, मायाराम ने सोनू भैंस खोली है आप और निकालो इसको, इनने जिनने तीन दो जनों ने भैंसें निकाली हैं, मेरे को वहाँ घेर लिया। फिर मैंने बच्चों को जगाया, लेके भैंसें कूद के भागे हैं, थोड़ा चले 10 कदम दूर चल गए, इनने गोली का फेर किया, मैं पीछे चला गया, मेरे बच्चे मेरे पीछे थे सर, बच्चे पीछे होने के बाद दूसरा पैर मां किया चौराहे पे, तीसरा पैर किया 25 कदम आगे जाके करा, फिर लास्ट में एक करा मंदिर के पास में पा, ऐसे किया मैं चला ही गया। तो एक पड़िया मैंने यहाँ डराई, एक माँ पे डराई और भैंस को लेके चले गए। मेरे साथ में भैंस पड़िया थी तो 7 बकरी तो मैं भाग नहीं पाया, और फिर भैंस लेके भाग गए। मेरे यहाँ पहले आता जाता था भी दोस्त था और खूब अच्छे जानता था, मेरा आना जाना भी था, उसने ही चोरी की मेरे घर से। पुलिस में शिकायत की आपने? मैंने शिकायत करी, पुलिस ने कह गई 2 दिन के अंदर हम भैंस दे देंगे, तुमको चिंता नहीं। टीआई साहब ने सब बोला मेरे मीटिंग लेने के बाद में, उसके बाद आश्वासन देते देते थे। मैं इतवार को गया तो उनके दरोगा जी बोले आपको भैंस तो 2 दिन पहले ही मिल गई, कम से कम 3 लाख रुपये। फिर क्या हुआ, कैसे गई थी? चोर रात में आए, वो छोर के ले गए, मायाराम पहचान में आ गया है फुटेज में। अच्छा, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। शिकायत कर दी आपने? हाँ, शिकायत कर दी हमने, लेकिन अग्रिम में जब वो लगी है, मतलब अग्रिम वो होती है अज्ञात कार्रवाई भाई है। अच्छा, तो मतलब नाम से नहीं करी उन लोगों ने, सीसीटीवी फुटेज भी है। हाँ, फुटेज जो है हमारे पास, और कोई कार्रवाई नहीं भाई, पुलिस चक्कर लगा। हाँ, क्या चाहते हो आप? लोग चाहते हैं उसका कार्रवाई हो और भैंस मिले, हमारी भैंस मिले, तब हम क्या करेंगे। इस तरह की अभी सीसीटीवी फुटेज अभी मेरे समक्ष नहीं आए हैं और नहीं इस प्रकार की शिकायत मेरे समक्ष की गई है, और अगर इस तरह की कोई बात होगी थाना प्रभारी को निर्देशित किया जाएगा कि अगर कोई भी इस तरह की रिपोर्ट आती है सीसीटीवी में, अगर फुटेज में ये बात सामने आती तो उस पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। लेकिन वो कहना कि कुछ पुलिस वाले कुछ राजीनामा करने के लिए दबाव बना रहे हैं, उनके पास प्रेशर आ रहा है। चूंकि मेरे पास अभी आए नहीं है, आप ही के द्वारा मुझे मेरे संज्ञान में लाया गया है, मैं दिखवाता हूँ उसमें, अगर इस तरह की बात होगी तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।